आइए बात करते हैं आज राजनीतिक गलियारों की। नमस्कार, मैं प्रिंस भारद्वाज और टाइम्स फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होटवार जेल में जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की और लालू के आशीर्वाद प्राप्त कर मीडिया से बातचीत की और कहा कि हम लोग भाजपा की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं, हर हाल में हमें भाजपा का सफाया करना है। हेमंत ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि 2019 का चुनाव अगर अभी हो जाए तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, इसी से पता चल जाएगा किसने कितनी तैयारी की है। और उन्होंने साथ ही साथ पीएनबी घोटाले पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इसकी चर्चा तो देश में ही नहीं विदेश में भी हो रही है, पैसा बैंक में रखोगे तो नीरव मोदी ले जाएगा और घर में रखोगे तो नरेंद्र मोदी ले जाएंगे। हालांकि उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में दलित, गरीबी, आदिवासी और पिछड़े सुविधा जैसे वंचित होने की बात की है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन की लालू के साथ यह मुलाकात कहीं राजनीतिक में भूचाल न ले आए। ऐसा देखा जा रहा है कि 2019 के चुनाव बिहार के चुनाव की तरह ही ना हो जाए, भाजपा के उखाड़ फेंकने के लिए सारी पार्टियां एक ना हो जाए।